स्टीम इंजन बेसिकली वर्क कैसे करता है? स्टीम इंजन सबसे पहले कोयला को जलाया जाता है। कोयला जब जलता है तो उससे पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने के बाद वो गैस में उसको बदला जाता है। बहुत सारा ये स्टीम गैस एक जगह, ये जो हौज देख रहे हैं इसी में ये स्टोर होता है। बहुत हाई प्रेशर पे वो स्टोर होता है। और नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पीछे देखिए, लगभग ये 100 साल पुराना ये स्टीम इंजन है जो कि इंडियन रेलवे का पार्ट होता था। अभी इसको रिटायर कर दिया गया है। रिटायर तो बहुत पहले किया गया है, यहाँ इसको रखा गया है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि यहाँ से 100 साल पहले ये स्टीम इंजन कैसे वर्क करता था और इंडियन रेलवे कैसे इसको ऑपरेट करती थी। इसका जो मेन जो कोर टेक्नोलॉजी होता है कैसे वर्क करता है, हर एक डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग पुराने मूवी या वीडियोज़ में देखते हैं ये स्टीम इंजन कैसे वर्क करता था, लेकिन मेरे पीछे देखिए ये पूरा ओरिजिनल वाला रखा गया है। जब ये अपने ज़माने में होगा, जब चलता होगा तो कैसा फील आता होगा, और वो उस समय कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता होगा ट्रांसपोर्टेशन में या फिर लोगों को ले आने के लिए। तो उस समय पास्ट में जो भी इंडियन रेलवे यूज करती थी उसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी। आप ज़रा सोचो, बहुत कम 30-35-40 मैक्सिमम स्पीड रहती थी। तो अगर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो सोच लो आप कितना समय लगता होगा। लेकिन उस समय कोई ऑप्शन भी नहीं था, और वहाँ से अपना इंडियन रेलवे आज बुलेट ट्रेन तक पहुँच गई है। तो इसको बोलते हैं असली रेवोल्यूशन। आगे इसके फ्रंट में सबसे ऊपर हेडलाइट है, और बीच का ये स्टीम का भाग है, और ये यहाँ नीचे खाली जगह है, और ये हुक दिया गया है आगे अटैच करने के लिए। आप जैसे इसके पीछे जाएंगे तो कुछ इस तरह का पूरा जो माहौल दिखता है। ऊपर जो ये स्टीम का जो बॉक्स होता है इसी में स्टीम गर्म होता है। और देखिए इसका जो व्हील है दोस्तों, इसका व्हील सबसे इंटरेस्टिंग होता है। अभी का जो व्हील है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन पहले का क्या होता था, वो एक दूसरे से अटैच होता था। ये घूमेगा तो इसको घुमाएगा, आगे वाला उसको घुमाएगा। तो घुमाने के लिए ये लोहे का जो रड है इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये घूमेगा तो सबको घुमाएगा, और देखने में भी ये अच्छा दिखता था। आपने वीडियोस में देखा होगा ये कैसे घूमता है। तो एक पहिए से सारे पहिए अटैच होता है। ये जो आप सारे पाइप देख रहे हैं ये सारे प्रोपल्शन वाले पाइप है। इसी पाइप से ये स्टीम आगे जाता है, इसमें हवा बनता है, बहुत सारा इसमें पानी वाला भी पाइप है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था जब भी अपने इस ज़माने का होता था। दोस्तों, अपना इंडियन रेलवे आज बुलेट ट्रेन तक पहुँच गई है, और दुनिया की चौथे सबसे बड़ी नेटवर्क है। 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेलवे लाइन है अपने देश में। लेकिन यहाँ से 100 साल पहले, 50 साल पहले किस तरह का इंजन का यूज होता था उसको देख के ऐसा लगता है कि अपना इंडियन जो रेलवे है कितना एडवांस कर चुकी है उस समय के मुकाबले। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसमें कोयला को स्टोर किया जाता था, और इसी से कोयला आगे इंजन में रखा जाता था जिससे वो जलता था। तो ये बहुत बड़ा है, इसी में कोयला स्टोर होता था, और कोयला यहाँ से निकाल के दोस्तों कोयला को इसमें रखा जाता था। ये जो आप भट्टी देख रहे हैं पूरे अंदर तक होता है, इसी में कोयला रखने के बाद आग लगता था और आग से ये स्टीम बनता था। तो पूरा जो मैकेनिज्म है दोस्तों इसका आप देखिए कुछ ऐसा है। इसमें बहुत सारा मीटर भी लगा होता है जिससे कितना प्रेशर है, कितना कंबसन हो रहा है, सबका जाँच होता था। और ये जो है इसका मेन हैंडल है, इस हैंडल से कंप्रेसर जो है वो आगे पुश होता था जिससे इंजन जो है वो आगे बढ़ पाता था। तो बहुत सारा इसमें हैंडल दिया गया है जिसका अलग अलग वर्क है। ये देखिए इसको भी घुमाने से कुछ होता होगा, और बहुत सारा प्रोपल्शन का इसमें पाइप है, क्योंकि मेन जो चीज़ है इसका वो एयर होता था। जो गर्म हवा है वही मैकेनिकल फोर्स में बदलता था जिससे पहिया को एनर्जी मिलता था आगे बढ़ने के लिए। हम लोग तो ये स्टीम इंजन को नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग जब दुनिया में आए तब तक ये अभी रिटायर हो चुका था। लेकिन दार्जिलिंग में अभी भी ये स्टीम इंजन चलती है। भारत के कुछ और हिस्सों में भी अभी इंडियन रेलवे ऑपरेट करती है ये स्टीम इंजन। तो जिसको देखना है जाके देख सकता है। तो आप देखिए इसका जो मेन जो मैकेनिज्म है दोस्तों कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचिए उस समय ज़माने में, आज से 100 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो इंजीनियर साइंटिस्टों ने इस तरह का जो रेल है उसको ईजाद किया, और बहुत सारा ये इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था लोगों को। पहला स्टीम से चलने वाला जो इंजन है वो इंग्लैंड में बना था। माइंस में काम करने वाला एक इंजीनियर उसको बनाया था। फर्स्ट टाइम उसने वाटर पंप उससे चलाया था। उसके बहुत साल बाद जेम्स वाट ने और उसमें इनोवेशन करके रेलवे का इंजन उसको डेवलप किया। और उसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो माइंस तक ट्रेन को ले जाना, फिर माइंस से सामान लाना, गुड्स को और प्रोडक्शन बढ़ाना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और बाद में ट्रांसपोर्टेशन में भी स्टीम इंजन ने पूरी दुनिया का कायाकल्प ही पलट दिया। दोस्तों, इंडियन रेलवे का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1830-35 के आसपास अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इंडियन रेलवे का स्थापना किया, और पहली बार इंडिया में कोई स्टीम इंजन चला था। उसके बहुत साल बाद
थाने में पहली बार आम लोगों के लिए रेलवे का सर्विस शुरू किया गया था। तभी से लेकर अभी तक इंडियन रेलवे ऐसे तमाम सारे इंजन को यूज करके अभी रख चुकी है और हम लोग अभी बुलेट ट्रेन तक पहुंच गए हैं। इसके दोनों पटरियों का बीच का साइज देखिए दोस्तों, 1 मीटर से भी कम है और इसी पर यह दौड़ता था बहुत आंधी की तरह। आज के रेलवे में तो उसका साइज नैरो गेज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसके मुकाबले, लेकिन उस समय इतना ही उसका चौड़ाई होता था और इसी पे ट्रेन जो होती थी रन करती थी। और बहुत सारा जो वर्क है आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा जो इसका है वो दिखता था। इसका ये जो व्हील है ये इंजन से कनेक्टेड होता था। अभी का जो इंजन है उससे तो ये बहुत ही ईजी है, अभी का जो इंजन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि देखिए कुछ ऐसा ये दिख रहा है। ये स्टीम इंजन बेसिकली वर्क कैसे करता है, ये स्टीम इंजन सबसे पहले कोयला को जलाया जाता है। कोयला जब जलता है तो उससे पानी गर्म होता है और पानी गर्म होने के बाद वो गैस में उसको बदला जाता है। बहुत सारा ये स्टीम गैस एक जगह, ये जो हौज देख रहे हैं इसी में ये स्टोर होता है, बहुत हाई प्रेशर पे वो स्टोर होता है। और वो हाई प्रेशर का गैस उसको बहुत पतले ट्यूब से एक व्हील पे छोड़ा जाता है, एक चक्का पे, और चक्का पे जब छोड़ा जाता है तो मैकेनिकली वो मूव करने लगता है, घूमने लगता है, जिस वजह से उसका जो आगे का जो रोटर है वो और घूमता है और इस तरह जो पूरा जो इंजन है वो घूमने लगता है। तो मेन जो इसका कोर है वो इसका ये स्टीम वाला वाटर है, यानी गर्म पानी है। और गर्म पानी करने के लिए हमेशा बार बार इसमें कोयले का यूज होता है। अभी भी कोयले से बहुत सारा काम हो रहा है, जैसे बिजली घर में जो बिजली बनता है वो कोयला जला के ही पानी गर्म होता है, पानी गर्म जो स्टीम होता है वो आगे व्हील को घुमाता है जिससे डायनामो घूमता है और बिजली बनता है। तो मेन जो कोर है वो पानी को गर्म करना होता है, तो पानी गर्म से ही कोयला आगे जलता है और वो जाके ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। इसकी जो पूरी लंबाई है लगभग 30 मीटर है दोस्तों, और ये जो आप आधा जो इसका हिस्सा है वो कोयले का सेक्शन है और आधा जो है मेन इंजन है। जितना ज़्यादा ज़रूरी इंजन है उससे ज़्यादा ज़रूरी कोयला होता है, तो सेम बराबर हिस्सा में है, जितना इंजन उतना ही कोयले का स्टोरेज होता है, क्योंकि डीजल तो है नहीं, बार बार आपको कोयला झोंकना होता है इंजन में, इसीलिए कोयले का जो सेक्शन है बिल्कुल इंजन के बराबर ही बनाया गया है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं मैं आपको एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।